उज्जैन के करीब नागदा रोड पर हनुमान जी महाराज का बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। हनुमान जी महाराज के सामने शीश नवाकर अपना काम शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व का भला हो ऐसी कामना को लेकर ग्रामीणों ने एक साथ खड़े होकर पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुति डाली। इसके पश्चात विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। प्रतिवर्ष कई वर्षों से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती आ रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ 25 सालों से बाबा रामदेव जी का भंडारा, मेरे पिताजी भी चलाते थे गांव में, माँ भी चलाती थी, उनके साथ होने के बाद 25 सालों से ये भंडारा बाबा रामदेव ने चला। बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से हमारे परिवार में अभी तक कोई आपातकाल बीमारी अभी तक नहीं। बाबा रामदेव जी भी बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से हम सब संतुष्ट हैं और बाबा की मेहरबानी हमको बहुत, बाबा का आशीर्वाद है। प्रसादी लेते हैं और सुबह बालाराम जी किसी परिवार द्वारा यहाँ पूजन पाठ होता है और पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ रहे, अखंड रहे, शक्तिशाली बने और पूरे सर्कल में ध्यान ध्यान बढ़ते हुए किसी प्रकार की आपदा न होगी दूसरे को लेकर के हमारा बालाराम जी किसी परम्परा अनुसार भी इस कार्यक्रम करते हैं। इस परिवार को क्षेत्र की ओर चलता है और हम इसके आभारी हैं और इस परिवार का हम आभारी बन जाएंगे कि भाई इसके बाद जो आने वाले हमारे पुत्र हैं माननीय नारायण जी भी इस परंपरा को आगे बढ़ाए और इस कार्यक्रम पधारे। सभी को दिल की गहराई से हार्दिक बधाइयां, हार्दिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।